ESCRS में इस बार हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं 75 ईयर्स ऑफ IOL इम्प्लांटेशन। हेलो एंड वेलकम बैक। आई एम डॉक्टर राहिल चौधरी, आई डॉक्टर, कैटरेक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन, एंड आज मैं हूँ ESCRS 2024 यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कैटरेक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन्स की ग्लोबल मीट में, जो हो रही है बार्सिलोना स्पेन में। एंड हर साल मैं ESCRS की कॉन्फ्रेंस अटेंड करता हूँ। ये एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है जहाँ पे पूरे वर्ल्ड के आई डॉक्टर्स, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, फार्मा कंपनीज, हम सब लोग एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं, अपने आइडिया शेयर करते हैं। इंडिया में हम लोग ट्रीटमेंट्स कैसे कर रहे हैं, बाकी दुनिया में ट्रीटमेंट्स कैसे हो रही हैं, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस क्या हो रही हैं, नई ट्रीटमेंट्स कौन सी आ रही हैं, नई दवाइयाँ कौन सी आ रही हैं, तो इन सब के बारे में हमें नॉलेज मिलता है, हमारे स्किल्स बढ़ते हैं, और ये सारा कुछ फिर हम वापस अपने कंट्री में, इंडिया में लेके जाते हैं और अपने पेशेंट्स को इसका बेनिफिट देते हैं। तो इस बार ESCRS में कुछ बहुत ही एक्साइटिंग लॉन्चेस हुए हैं। रेवोल्यूशनरी कॉन्फ्रेंस है इस बारी की ESCRS 2024 की कॉन्फ्रेंस। तो जो सबसे बड़ा हाईलाइट है इस कॉन्फ्रेंस का, वो है चश्मा हटाने की एक नई टेक्नोलॉजी जिसको एल्कॉन ने लॉन्च करा है बाय द नेम ऑफ वेवलाइट प्लस इनोवाइज। तो ऑफ कोर्स इसके बारे में आपको पूरा डिटेल में आगे समझाने वाला हूँ। सेकंड एक्साइटिंग लॉन्च जो है वो है मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए एक नया टाइप का ईडॉफ कैटेगरी का लेंस, जिसको जॉनसन एंड जॉनसन ने लॉन्च करा है प्योर सी के नाम से। और थर्ड एक्साइटमेंट है कि स्टार ICLs जो हम यूज़ करते हैं चश्मा हटाने के लिए, स्पेशली हाई नंबर्स में, स्टार ICLs का 3 मिलियन का माइलस्टोन पूरा हुआ है, तो वो भी यहाँ पे सेलिब्रेट करा जा रहा है। एंड चौथी एक्साइटमेंट है कि जो मोतियाबिंद ऑपरेशन में हम लोग लेंसेज डालते हैं, उसके 75th एनिवर्सरी इस कॉन्फ्रेंस में सेलिब्रेट करी जा रही है। तो सारा कुछ दिखाने वाला हूँ यहाँ पे, क्या एक्साइटमेंट चल रही है। वेवलाइट प्लस इनोवाइज के बारे में भी आपको इस वीडियो में और डिटेल में बताऊंगा, प्योर सी लेंस के बारे में बताऊंगा, और फिर चलेंगे स्टार के स्टॉल पे और दिखाऊंगा वहाँ पे क्या सेलिब्रेशन हो रही है और 75th एनिवर्सरी कैसे यहाँ पे मनाई जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो फर्स्ट एक्साइटिंग लॉन्च है इस कॉन्फ्रेंस में, वो है एल्कॉन की साइड से वेवलाइट प्लस इनोवाइज टेक्नोलॉजी, चश्मा हटाने की टेक्नोलॉजी में एक नया इंट्रोडक्शन है। एंड दिस इज़ बीइंग कंसिडर्ड एज द बिगेस्ट रेवोल्यूशन इन 2024 इन रिफ्रैक्टिव सर्जरी। एंड हम लोग जा रहे हैं लेसिक, कंट्यूरा एंड सिल्क के बियॉन्ड विथ ईगल्स आई विजन विद द वेवलाइट प्लस इनोवाइज टेक्नोलॉजी। तो अगेन इसके ऊपर पूरा डिटेल्ड वीडियो, इस टेक्नोलॉजी को कैसे डिवेलप करा है और ये कैसे बाकी टेक्नोलॉजी से ज़्यादा एडवांस हो गई है, मैं आपको बहुत ही जल्दी शेयर करने वाला हूँ। लेकिन ब्रीफली बता देता हूँ इस टेक्नोलॉजी के नए फीचर्स क्या है। तो फॉर द फर्स्ट टाइम हम लोग पेशेंट के चश्मे का नंबर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 3D डिजिटल ट्विन अवतार से हटा पाएंगे। फॉर द फर्स्ट टाइम रे ट्रेसिंग का यूज़ होगा चश्मा हटाने की टेक्नोलॉजी में। फॉर द फर्स्ट टाइम चश्मे का नंबर ऑटोमेटेड कैलकुलेट करा जाएगा, जहाँ पे मैनुअल एरर्स को ख़त्म कर दिया जाएगा। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम हम लोग ईगल्स आई विजन बियॉन्ड 6.6, बियॉन्ड 6.5, बियॉन्ड सुपरविजन अपने पेशेंट्स को डिलीवर कर पाएंगे। तो बहुत ही जल्दी इसके ऊपर एक पूरा डिटेल वीडियो आपसे शेयर करने वाला हूँ। आगे दिखाता हूँ इस कॉन्फ्रेंस में और क्या चल रहा है। राइट, सो जो नेक्स्ट एक्साइटिंग लॉन्च है इस कॉन्फ्रेंस में, दैट इज द प्योर सी IOL फ्रॉम जॉनसन एंड जॉनसन। अब प्योर सी जो है एक नया टाइप का लेंस लॉन्च करा गया है मोतियाबिंद या कैटरैक्ट ऑपरेशन के लिए। एंड दिस इज द फर्स्ट लेंस इन द वर्ल्ड विच इज़ अ प्योरली रिफ्रैक्टिव प्रेस बायोपिया करेक्टिंग लेंस, ईडॉफ कैटेगरी का लेंस है। तो अगेन इसके ऊपर मैं पूरा डिटेल्ड वीडियो आपसे बहुत ही जल्दी शेयर करने वाला हूँ।
इंडिया में इस लेंस को फर्स्ट टाइम हम लॉन्च करने वाले हैं बहुत ही जल्दी। एंड जो हमारे पेशेंट के रिजल्ट्स हैं कैटरैक्ट या मोतियाबिंद के ऑपरेशन में, उनको और ज़्यादा इम्प्रूव कर पाएंगे और अपनी पेशेंट सेटिस्फैक्शन को और बेटर कर पाएंगे। सो द नेक्स्ट एक्साइटिंग थिंग इज दैट स्टार इज सेलिब्रेटिंग 3 मिलियन ICLs इम्प्लांटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ICL के बारे में जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है, चश्मा हटाने की बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है जहाँ पे आंख के अंदर एक पतले से लेंस को इम्प्लांट कर दिया जाता है और पेशेंट को चश्मे से आज़ादी मिल जाती है। पूरे दुनिया में 30 लाख या 3 मिलियन ICLs इम्प्लांट कर दिए गए हैं। तो इस तरह के जो फिगर्स हैं हमें बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस देते हैं, टेक्नोलॉजी को एक क्रेडिबिलिटी देते हैं कि पूरे वर्ल्ड में अक्रॉस द ग्लोब स्टार ICLs को यूज़ करा जा रहा है एंड सर्जन्स का एंड पेशेंट्स का इस टेक्नोलॉजी में कॉन्फिडेंस और भरोसा जो है वो टाइम के साथ बढ़ता जा रहा है। ESCRS में इस बार हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं 75 ईयर्स ऑफ IOL इम्प्लांटेशन। देखिए 75 साल पहले मोतियाबिंद के ऑपरेशंस बहुत डिफरेंट थे। वहाँ पे आंख से सिर्फ मोतियाबिंद को निकाल दिया जाता था और आंख में किसी भी तरह का लेंस नहीं डाला जाता था, जिसकी वजह से पेशेंट को इतने मोटे मोटे चश्मे पहनने पड़ते थे साफ देखने के लिए। लेकिन 75 साल पहले ये इन्वेंशन हुई कि हम आंख के अंदर एक लेंस भी डाल सकते हैं और इतने सालों में इतना ज़्यादा रेवोल्यूशन आ गया है इस टेक्नोलॉजी में, इतनी ज़्यादा इनोवेशंस हो गई हैं कि आज की डेट में मोतियाबिंद के ऑपरेशंस इतने एडवांस हो गए हैं कि इनमें कोई दर्द नहीं है, कोई इंजेक्शन नहीं है, कोई टांका नहीं है, कोई ब्लेड नहीं, कोई पट्टी नहीं, कोई हॉस्पिटलाइजेशन नहीं। और ऑपरेशन में मोतियाबिंद के साथ साथ हम पेशेंट के चश्मे के नंबर को भी ठीक कर देते हैं। तो पेशेंट को मोतियाबिंद से तो आज़ादी मिल ही जाती है, साथ साथ पेशेंट को अपने चश्मे से भी आज़ादी मिल जाती है। लेकिन इस स्टेज पर पहुँचने के लिए इंसान को 75 ईयर्स लग गए। तो यहाँ पे इन्होंने पूरा एक बनाया है कि कैसे इंसान ने 75 ईयर्स ऑफ जर्नी करा एंड स्टार्टिंग से इस स्टेज पर हम कैसे पहुँचे हैं। तो थोड़ा सा टूर देता हूँ अंदर का कि कैसे कैसे इंसान ने ये सब चीज़ें डेवलप करी हैं।